नमस्कार। तो उत्तराखंड में गेम ऑफ गद्दी शुरू, ऐसा क्यों कह रहे हैं? ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि गद्दी की दावेदारी के लिए अब बड़े बड़े नेता उत्तराखंड देवभूमि की ओर रुख करने लगे हैं। लेकिन देवभूमि के लिए एक बात कही जाती है कि देवभूमि में जाते हैं तो बम बम सुनाई देता है, लेकिन आज मैं बताता हूं कि देवभूमि में क्या सुनाई दे रहा है। जब सियासी हवा बह रही है तो देवभूमि में जनता लाचार है और सियासत का बम बम होता हुआ सुनाई दे रहा है। नमस्कार, मेरा नाम कावेंद्र चौहान है और आप देख रहे हैं पूछता है उत्तराखंड। उत्तराखंड आज जोर शोर से पूछ रहा है, पहाड़ी इलाके पूछ रहे हैं, जमीनी इलाके मैदानी इलाके पूछ रहे हैं कि नेताओं के तो दौरे शुरू हो गए, नेताओं की रैलियां क्या, रैला शुरू हो गए, लेकिन जनता के मुद्दों पर बात कम। जनता जो बीते 5 सालों से मुद्दे दबा कर बैठी थी कि कब उनके नेता आएंगे और वो सवालों की झड़ी लगाएगी, अपने मुद्दों पर बात करेगी, तो नेता तो बड़े चालाक निकले। अब नेता आते हैं, जनता का मुद्दा नहीं सुनते, बल्कि अपना एक मुद्दा एक एजेंडा सेट करके जाते हैं, और जब वो चले जाते हैं तो जनता उनके दिखाए मुद्दे पर लड़ती है, झगड़ती है। तो ये है आज की हकीकत। इसमें जितनी जिम्मेदार यहां की राजशाही है, राजशाही कहूंगा इसे, लोकतंत्र में जितनी जिम्मेदार राजशाही है, जितने जिम्मेदार ये नेता हैं, उतनी ही जिम्मेदार जनता भी। 21 साल हो गए हैं उत्तराखंड को बने हुए। पहले मुख्यमंत्री नित्यानंद स्वामी जी, उसके बाद 2002 में चुनाव होते हैं, भगत सिंह कोश्यारी आते हैं, इसके बाद आते ही रहते हैं, एक मुख्यमंत्री, दो मुख्यमंत्री, तीन मुख्यमंत्री, और अब तो बड़ा बढ़िया शुभ कार्य हुआ है, 11 मुख्यमंत्री उत्तराखंड को मिल चुके हैं, मतलब 11 परिवार भरफूल चुके हैं। और जनता, जनता का क्या, जनता को तो हाथ में मिला डमरू, बजाते रहो, बम बम करते रहो, तो जनता तो वहीं की वहीं है। जनता आज भी पलायन कर रही है और सोच रही है कि संभावनाओं की खोज में यह पलायन चल रहा है, लेकिन यह पलायन दरअसल लाचारी में चल रहा है। ये पलायन कोई संभावनाओं की खोज में नहीं चल रहा है। संभावना तो आपकी जमीन पर भी आप तलाश सकते हैं, संभावना तो पहाड़ पर भी हो सकती है, संभावनाएं तो मैदान में भी हो सकती हैं, लेकिन नहीं, संभावनाओं की खोज होगी और होगा पलायन। तो नेता जो है अपनी वाणी से, अपनी वाणी की जो उनकी सुंदरता है, उसके जरिए आपको सुंदर सुंदर मनमोहक वादे और दावों की जो माला है उसको पहनाते रहते हैं, और आप माला पहन कर कहते हैं बम बम भोले। ठीक है, बढ़िया बात है, बाकी तो सब भोलेनाथ हैं। देवभूमि की आज ये बहस है, गर्मा गर्म बहस है, मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले बता दूं कि कार्यक्रम की संरचना क्या है। आज की बहस दरअसल क्या है, आज की बहस ये है कि देवभूमि में बीते 4.5 साल आप कोई बड़ा पार्टी का आलाकमान का नेता तो छोड़िए, उस जगह के उस क्षेत्र के विधायक भी झंकने नहीं जाते, और मैं इसको प्रमाणित करूंगा, फैक्ट्स के साथ दिखाऊंगा कि मैं ये बात क्यों कह रहा हूं। तो जो विधायक झंकने नहीं जाते अपने इलाकों में, अपने क्षेत्रों में, आज वहां बड़े बड़े नेताओं का, बड़े बड़े मंत्रियों का रैला हो रहा है, और मुद्दे वो नहीं है जो जमीनी मुद्दे हैं, मुद्दे वो हैं जो सियासी मुद्दे हैं। रामराज है, रामराज है तो सब राम की मर्जी से होगा। अगर कहीं कोई दुर्घटना हो जाती है, प्राकृतिक आपदा आ जाती है, तो कहते हैं कि राम की मर्जी से हुआ, राम की मर्जी है, प्रकृति है। कोरोना काल के गाल में इतने लोग समा गए, लेकिन फिर कहा राम की मर्जी है, राम जो चाहेंगे वो होगा। तो क्या करेगा डिप्टी, क्या करेगा कलेक्टर, क्या करेगा गृह सचिव, क्या करेंगे मुख्यमंत्री, जब सब राम को ही करना है। तो जो बार बार जो मुख्यमंत्री बदले जा रहे हैं, इनकी जगह राम भगवान की मूर्ति रखकर उनको गद्दी पर क्यों ना स्थापित कर दिया जाए, क्योंकि उत्तराखंड बड़ा बदनसीब रहा है। उत्तराखंड में बहस इस बात पर नहीं हुई कि महंगाई इतनी क्यों बढ़ रही है। आज भी गैरसैंण को लेकर, देहरादून को लेकर वाद विवाद है, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के बयानों पर चर्चा है, प्रधानमंत्री आएंगे, केदारनाथ आएंगे, बद्रीनाथ आएंगे, जनता इसी में खुश है। घर पे चाहे भगवान के सामने अगरबत्ती जलाने का पैसा ना हो,
लेकिन जनता खुश है कि उनके प्रधानमंत्री, उनके मुख्यमंत्री भगवान केदारनाथ पहुंचे, भगवान बद्रीनाथ पहुंचे। तो जनता की दुर्दशा पर और नेताओं के पॉलिटिकल टूरिज्म पर आज की बहस करेंगे। देवभूमि में आलाकमान की सियासी दौड़ भाग क्या कुछ कहती है, इस पर बहस करेंगे। क्या बयानों में उलझ गई है चुनावी जंग, इस पर बहस करेंगे। और बहस जो है सटीक, स्पष्ट और बिल्कुल निडरता के साथ करेंगे। बहस में हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ेंगे। उससे पहले आपको बता दूं कि बीते 4 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड आए थे, देहरादून परेड ग्राउंड, विशालकाय रैली। उत्तराखंड में 18,000 करोड़ की 18 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण हुआ, शिलान्यास हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में, रैली नहीं रैला कहूंगा इसको, रैला में लाखों की भीड़ देखी गई। और अब बाकी पार्टियां कहां पीछे रहने वाली है, तो 16 तारीख को राहुल गांधी साहब आ रहे हैं और 11 तारीख को आ रहे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, अपने अपने दावे लेकर, अपने अपने वादों की बारात लेकर। तो यह बारात जो है, क्या राजगद्दी रूपी दुल्हन को अपने साथ ले जा पाएगी या नहीं, इस पर सियासी चर्चा है। वह शुरू करने जा रहा हूं और इस पर मेरे साथ बाजू वाली खिड़कियों पर मेहमान नजर आते ही होंगे। बहुत बहुत स्वागत करूंगा आप सभी का। उमा सिसोदिया जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं आप आम आदमी पार्टी से। सुनीता बौड़ाई जी हैं, विद्यार्थी हैं, प्रवक्ता बीजेपी से हैं, माफ कीजिएगा, सुनीता बौड़ाई विद्यार्थी जी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी से। अमनदीप सिंह हैं, प्रवक्ता हैं यूथ कांग्रेस के। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत, सत्कार, अभिनंदन कार्यक्रम उत्तराखंड में। सबसे पहले शुरू करूंगा आपके साथ सुनीता बौड़ाई जी। सुनीता जी, अब ये जो पॉलिटिकल जो दौड़ भाग शुरू हो गई है, बड़े बड़े पार्टी के नेता आ रहे हैं 4 दिसंबर को यहां पर, सही कह रहा हूं तो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे, 18,000 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण हुआ, शिलान्यास हुआ। आपके नेताओं ने कहा कि हवा बदल गई है, पासा पलट गया है, अब तो बस बीजेपी बीजेपी है, चप्पा चप्पा भाजपा है। लेकिन अब 16 तारीख को राहुल गांधी आ रहे हैं, 11 को अरविंद केजरीवाल आ रहे हैं, क्या आप फिर से हवा पलटने की तैयारी है? जी देखिए, मैं तो यहाँ पे ये कहना चाहूंगी कि अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात यहाँ पे कहें तो भारतीय जनता पार्टी में तमाम हमारे दिग्गजों का जो है वो उत्तराखंड में बहुत पहले से आना जाना शुरू हुआ है और अपने संगठन को मजबूती प्रदान करने के लिए हमारे शीर्ष नेतृत्व तो लगातार हमारे साथ में हमारा मार्गदर्शन कर रहा है और लगातार हमारे बीच में जो है सभी नेताओं के जो हमारे केंद्रीय नेता हैं उनका उनके दौरे बने हुए हैं और तमाम मीटिंग्स हमारी चल रही हैं। हम लोग जनता के बीच में हैं और जो भी चुनाव 22 के जीतने के लिए जितनी भी रणनीतियां बन रही हैं उन सब के लिए हम सबको मार्गदर्शन मिल रहा है और निश्चित रूप से आप देखिएगा कि जो भी संरक्षक हमारे भाजपा के जिस प्रकार से हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं, निश्चित रूप से हम चुनाव 22 में भाजपा को जीत दिलाएंगे और बहुत बेहतरीन जो परफॉर्मेंस है भाजपा का वो रहेगा और जो हमारा पार्टी लाइन जो लक्ष्य रख के आगे हम लोग चले हैं कि इस बार 60 पार उसको हम पूरा सफल करने में जो है पूरी तरीके से जुटे हुए हैं। ठीक है, आप में से कोई भी जीते शुभकामनाएं हैं। लेकिन सुनीता जी एक और सवाल है, सुनीता जी जनता दरअसल अपने मुद्दों को लेकर बैठी होती है, वो सोचती है उनके नेता आएंगे चुनाव के वक्त तब मुद्दों पर बातचीत की जाएगी, लेकिन दरअसल नेता तो आकर अपनी ही कोई कहानी सुना जाते हैं, अपनी ही सत्यनारायण की कथा सुना के चले जाते हैं। तो ऐसे में जनता तो दरअसल ये पूछ रही है कि ये जो 5 साल में जो 3 मुख्यमंत्री दिए, ये जो आपकी उपलब्धता थी इसको क्यों नहीं गिनवाया गया? देखिए, मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगी कि हमारे पूरे 4.5 साल का लेखा जोखा हमारी जनता के बीच में है और हमारी भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 4.5 सालों का और पिछले 4 महीनों का जो भी कार्यकाल है वो बहुत बेहतरीन रहा है। हम जनता के सामने जिस मैनिफेस्टो को लेके, जिस लक्ष्य को लेके भारतीय जनता पार्टी अपना कार्य कर रही थी उसमें हम पूरे तरीके से सफल हुए हैं और आपने देखा होगा कि इस बीच जो है हमें बहुत बड़ी बड़ी आपदाओं से गुजरना पड़ा है, बहुत बड़े बड़े हम लोगों को
चुनौतियां इस वक्त जो हमने पिछले टाइम में देखी उनसे हम लोग गुजरे हैं, तो निश्चित रूप से हम लोगों को जिस तरीके से हमने जनता से वायदे किए थे, हमने उनके वायदे पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है, और तमाम और जितनी भी हमारी जो भी सुविधाएं जनता को मिलनी चाहिए थी वो भारतीय जनता पार्टी ने करके दी है। ठीक है, आपने जितनी सुविधाएं देनी चाहिए थी उतनी दे दी, मतलब कुछ भी बचा नहीं है, सब हो गया है? नहीं, देखिए जो बचा है वो अगले 5 साल भी हमारे हैं, हम 22 में भी आ रहे हैं, और निश्चित रूप से जो चीजें प्रोसेसिंग में हैं वो आगे भी चलेंगी, और आगे भी भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा कार्य करके देगी, जनता को ये विश्वास है, और इसी वजह से उन्होंने पहले भी हमें एक मैंडेट दिया था और हमने उस मैंडेट के आधार पर अपने आप को प्रूव किया है, और आने वाले समय में भी आप देखिएगा कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव 22 में जीत कर निश्चित रूप से जनता के जो भी आगे जो भी हमसे उम्मीदें हैं उसमें हम पूरा खरा उतरेंगे और जो भी कार्य आगे के लिए है उनको करेंगे। ठीक है, जो भी काम है वो आप आगे करेंगे। अब मैं कांग्रेस से अमनदीप सिंह जी जो हैं उनके पास जाना चाहूँगा, फिर इसके बाद उमा सिसोदिया जी आप पर भी आऊँगा। उससे पहले अमनदीप सिंह जी से मेरा सवाल है, अमनदीप जी प्रधानमंत्री मोदी आकर चले गए, अब राहुल गांधी आ रहे हैं, तो क्या राहुल गांधी जी जो आएंगे वो प्रधानमंत्री मोदी की रैली से जो टेम्पो बना है, जो हवा बनी है, उसको काटने का काम करेंगे? देखिए ऐसा है कि हवा को काटने का या ऐसे कोई भी कार्य करने के लिए हमारे सम्माननीय श्री राहुल गांधी जी प्रदेश उत्तराखंड में नहीं आ रहे हैं। हालांकि प्रदेश की जनता को बताने आ रहे हैं कि भाजपा सरकार के शासन काल में किस प्रकार से प्रदेश उत्तराखंड निरंतर ही घटा है, बड़ा कहीं तक नहीं है। अभी सुनीता जी जो कह रहे थे कि जनता के बीच में है भाजपा सरकार, जनता के बीच में काम कर रही है भाजपा सरकार, हमें तो कहीं से कहीं तक नजर नहीं आ रही है भाजपा सरकार कि वो जनता के बीच में रह के काम कर रही है। और ये जो मैनिफेस्टो की बात भाजपा सरकार करती है, हाँ। अब 2017 के चुनाव में भी तो ये मैनिफेस्टो लेके आए थे संकल्प पत्र के तौर पे, पूरा लंबा चिट्ठा भाजपा सरकार ने पूरे प्रदेश को दिखाया था, प्रदेश के युवाओं को बड़े बड़े सपने दिखा दिए गए, प्रदेश की जनता को बता दिया गया कि आप हमें सरकार में लाइए तो हम प्रदेश में निरंतर बढ़ती बेरोजगारी पे रोकथाम लगाएंगे। लेकिन आज भाजपा सरकार जो संकल्प पत्र और मैनिफेस्टो की बात करती है बैठ के, कौन से संकल्प पत्र में उन्होंने वादे पूरे किए? मैं आपको बताना चाहूंगा कि 30 अक्टूबर 2021 को माननीय श्री हमारे गृह मंत्री हैं जो अमित शाह जी उपस्थित हुए थे उत्तराखंड में, आए थे देवभूमि में आए थे, उन्होंने स्टेज पे चढ़ के कह दिया कि हमने संकल्प पत्र में 85% कार्य पूरा कर दिया। लेकिन उस संकल्प पत्र में सबसे ऊपर मैं बताना चाहूंगा सरकार को कि शायद रोजगार का वादा भी आपने ही किया था, और प्रदेश में निरंतर बेरोजगारी किस आंकड़े से बढ़ रही है और सभी के सामने है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी तो मन की बात करते हैं लेकिन जनता के मन की बात सुनते नहीं है, और 4 दिसंबर को प्रधानमंत्री जी आए, बड़े बड़े वादे करके चले गए, जुमलों की बरसात हो गई देवभूमि में, बड़े बड़े वादे कर दिए, हमें 5 साल और दीजिए, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। अरे प्रदेश की जनता ने आपको 5 साल दिए तो राहुल गांधी जी राहुल गांधी क्या करने आ रहे हैं? राहुल गांधी जी आ रहे हैं जनता को संबोधित करने आ रहे हैं, संबोधित करने आ रहे हैं। आपने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जो आए वो जुमलों की बारिश कर गए, बरसात कर गए, बिल्कुल हवाई बातें कर गए, तो राहुल गांधी आप एक बात बताइए ना, मैं भाजपा सरकार से एक चीज पूछना चाहता हूँ कि ये बात करते हैं जब भी इनसे बात की जाती है तो ये बात करते हैं विकास की, विकास में ये क्या गिनाते हैं कि देहरादून से दिल्ली का सफर 2.5 घंटे का हो गया? अरे प्रदेश की जनता को आपके एक्सप्रेस वे बड़े बड़े हाईवे नहीं, प्रदेश की जनता को, प्रदेश के युवाओं को रोजगार चाहिए, प्रदेश की जनता जो निरंतर सरकार उत्तराखंड जो है दो नाव पर सवार रहा है, कभी बीजेपी पर कभी कांग्रेस पर, कभी बीजेपी पर तो कभी कांग्रेस पर, ये 21 साल में देखा गया है। तो ऐसे में अगर एक्सप्रेस वे आप नहीं दे पाए तो इन्होंने दे दिए, क्या एक बार दोहराएंगे आप? नहीं, बताने का काम आपका है, मैं सवाल कर रहा हूँ आपसे, आप बता दीजिए उसका जवाब। दोहराएंगे, मैं ये कह रहा हूँ बहुत साफ। ठीक है, अच्छा सवाल दोहरा देता हूँ आपको, मैं ये कह रहा हूँ आपने कहा कि इन्होंने क्या किया, इन्होंने सिर्फ एक्सप्रेसवे दे दिए लेकिन अंदर लोकल रूट्स जो थी वो तो दी नहीं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि दो नाव रही है उत्तराखंड में, तो कभी जनता इस नाव पर रही, कभी जनता उस नाव पर रही, एक कांग्रेस की नाव है, एक बीजेपी की नाव है, दोनों नावों पर सवार रही जनता।
अब ऐसे में अगर एक्सप्रेस वे उन्होंने दिया तो मतलब आपने नहीं दिया था। देखिए ऐसा है कि जो प्रदेश में जो अभी इन्होंने एक्सप्रेस वे दिए या जो फ्लाईओवर बनाए गए, इन्होंने तो रिबन काटने का काम किया है। वो आपने बनवाए थे। प्रदेश में कांग्रेस थी, जब मेरी बात सुनिए, जब प्रदेश में कांग्रेस थी तो ये जो चीजें अब हो रही है तो उसी टाइम लाई गई थी, लेकिन जब सरकार ही बदल गई तो इन्होंने तो रिबन काटने का काम किया। इन्होंने नहीं, वो आपने बनवाए थे, आपने शिलान्यास करवाया था, आप ये कह रहे हैं कंस्ट्रक्शन आपकी सरकार में हो रहा था। बिल्कुल उमा जी आप पर आ रहा हूं, अमनदीप जी, कंस्ट्रक्शन आपकी सरकार में हो रहा था, शिलान्यास आपने किया था। कंस्ट्रक्शन हम ये कह रहे हैं कि जो जिस प्रकार नहीं बिल्कुल स्टैट्स की बात करेंगे, मैं आपको बताऊं ना, मैं बता रहा हूं आपको, जिस प्रकार से प्रदेश को निरंतर बढ़ाने का काम कांग्रेस कर रही थी, तो जो ये जो आज रिबन काटने का काम भाजपा सरकार ने खाली मात्र और मात्र किया है, तो हरीश रावत जी के टाइम में भी एक्सप्रेस वे का डिजाइनिंग और ये सब चीजें तो हम अच्छा, डिजाइन आपने किया था, जब प्रदेश हम लोग ये चीजों को लाए थे, मैं तो ये कह रहा हूँ आपको, निरंतर काम तो कार्य तो हम कर ही रहे थे। चलिए ठीक है, आप निरंतर काम कर रहे थे, लेकिन जनता को समझ नहीं आया, जनता को लगा कि आप काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए जनता ने आपको सत्ता से हटा दिया। उमा जी हमारे साथ, सबसे पहले तो काफी देर से उमा जी कुछ कहना चाह रही थी, सबसे पहले तो वो बात कहिए जो आप कहना चाह रही हैं। मैं तो आपको कहना चाह रही हूँ कि जो आप विचार बता रहे हैं कांग्रेस वालों को परेशान कर रहे हैं कि उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, उन्होंने कुछ किया होता तो आज वो सत्ता में होते, उन्होंने कुछ नहीं किया, इसीलिए तो पूरे देश की जनता ने कांग्रेस को लगभग हर राज्य में नकार दिया है। केंद्र में आप लोग नकारे जा चुके हैं, आप लोगों के एक जमाने में 400 सांसद हुआ करते थे, राजीव गांधी जी के टाइम आया जब 44 सांसद ऊपर आ चुके हैं, और कांग्रेस जितने दूसरे के राज्य के चुनाव एक सेकंड एक सेकंड उमा जी एक सेकंड रुकिएगा, उमा जी का जो ध्वनि अंतर है थोड़ा सा ठीक करवाइएगा इसको, उमा जी आवाज साफ नहीं आ रही मेरी। बिल्कुल बिल्कुल अब आ रही है, साफ है, बात रखिए। जी तो मैं ये कह रही हूँ एंकर महोदय आपको कि कांग्रेस को बहुत ज्यादा परेशान करने की आवश्यकता नहीं है, कांग्रेस में जीतता हुआ जहाज है जो धीरे धीरे करके नेपथ्य में जा रहा है, और कुछ टाइम के बाद कांग्रेस जो है वो देश में कुछ साल का एक विषय बन जाएगा कि कांग्रेस से हुआ करती थी, हमारे बच्चे इतिहास में पढ़ेंगे कांग्रेस ने ये एक रिमार्क चल रही है, ओपनिंग रिमार्क चल रहा है, डिबेट इसके बाद खोली जाएगी, तब सब आपस में लड़ लीजिएगा, भिड़ लीजिएगा, बोल लीजिएगा, लेकिन फिलहाल अमनदीप जी थोड़ा सा धैर्य रखिए। उमा जी, जी तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि देखिए आपने कहा कि इन्होंने सिर्फ एक्सप्रेस वे बना दिए, तो मैं इस बात को जरूर कहती हूँ कि केंद्र सरकार ने जो इंफ्रास्ट्रक्चर का कर जो काम किया है उत्तराखंड में वो उन्होंने काम किया है, इस बात को हमने डिनाई नहीं करते, कोई भी डिनाई नहीं करता, लेकिन मेरा क्वेश्चन यहाँ जो उत्तराखंड की जो लोकल सरकार है, यहाँ पर जो बीजेपी की सरकार है, मेरा प्रश्न उससे है, बीजेपी ने पिछले लगभग जो 5 साल का आपका कार्यकाल रहा 2017 से 2021 तक का, उसमें अगर कोई एक काम भी किया होता तो माननीय मोदी जी उस एक फ्लोते काम को भी मंच से बोलते, लेकिन प्रॉब्लम ये रही कि माननीय मोदी जी के पास भी अपनी बीजेपी की सरकार को मतलब बताने के लिए कि आप लोगों ने कोई एक काम भी नहीं किया, वरना वो जरूर बोलते इस बात को, कोई भी प्रधानमंत्री अपनी जो लोकल सरकार है उसकी बड़ाई जरूर करेगा, मंच खड़ा होगी कि भामी जी ने ये किया है, तिरुमल जी ने ये किया है, तिरुवल सिंह जी ने ये किया था, लेकिन आप हमारे माननीय मोदी जी की मजबूरी देखिए कि वो लगातार अपने एक घंटे के संभाषण में सिर्फ और सिर्फ अपने केंद्र सरकार के कामों को गिनाते रहे, और यहाँ की जो लोकल गवर्नमेंट है बीजेपी की उसका एक काम भी नहीं गिना पाए। एंकर महोदय यही हमारा प्रश्न था यहाँ की सरकार से कि आप हमें आकर 5 काम गिना दीजिए, और हमने चैलेंज किया था मदन कौशिक जी को कि आप आइए और 5 काम गिना दीजिए, लेकिन ये लोग एक काम भी अपना नहीं गिना पाए, ठीक है, तो ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य रहा है उत्तराखंड का, और इसको मैं समझती हूँ कि जनता जो है वो 2022 के चुनाव में इन सब चीजों को मद्देनजर, ठीक है, 2022 में आप कह रही है कि जनता जो है जवाब देगी, लेकिन राष्ट्रवाद, रोजगार, राम राज्य, ये भी बड़ी चुनौतियां हैं, उमा जी इनसे कैसे लड़ाई लड़ी जाएगी? देखिए आम आदमी पार्टी का जो एक अपना जो काम करने का तरीका रहा है वो राष्ट्रवाद के साथ साथ विकास भी हमारा एक तरीका रहा, हमने जिस तरीके से आमूलचूल परिवर्तन अपने दिल्ली में स्कूलों पर किया है, तो मैं समझती हूँ कि वो देश में एक क्रांतिकारी कदम है, हमारे बच्चे जब एक समान स्कूली व्यवस्था से निकलेंगे, अच्छे पढ़े लिखे बच्चे जब निकलेंगे सरकारी स्कूलों में भी जो एक स्कूलों में जाएंगे, लेकिन देखिए उत्तराखंड क्या है उमा जी, स्कूलों की तरफ भी जाएंगे, शिक्षा की तरफ भी जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे, लेकिन उत्तराखंड में क्या है कि दरअसल राष्ट्रवाद का मुद्दा, सेना से जुड़े लोगों का मुद्दा, ये दरअसल बहुत प्रभाव रखता है, तो ऐसे में दबी जुबान से लोग कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल तो दरअसल सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगा करते थे। देखिए
देखिए अगर हम यहाँ पर जिनको मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया है तो खुद एक आर्मी पर्सन है, नहीं ठीक है, मुख्यमंत्री का चेहरा तो है लेकिन लोग कह रहे हैं कि कैप्टन तो फिर भी अरविंद केजरीवाल ही है ना। देखिए मैं इस बात को ही तो मैं बोल रही हूँ, वहाँ ठीक है दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी है, वो हमारे राष्ट्रीय संयोजक है हमारी पार्टी के, लेकिन उत्तराखंड में हमने किसको चेहरा बनाया है इस बात को भी जनता जरूर देखेगी कि यहाँ पर कन्नन कोठियाल जो है बहुत साफ सुथरे छड़ी के व्यक्ति है जिन्होंने राजनीति में पहली बार कदम रखा है और राजनीति में आने से पहले वो लगातार जनता के बीच में सेवा करते रहे हैं। तो मैं समझती हूँ ऐसे व्यक्तित्व को जनता जरूर स्वीकारेगी और कर्नल साहब तो खुद आर्मी की जो पृष्ठभूमि है वहां से आते हैं। तो ये जो प्रश्न है लोगों का कि भाई आम आदमी पार्टी ने स्ट्राइक के सबूत मांगे, ये मांगे, देखिए सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडा है। अरविंद केजरीवाल ने कभी स्ट्राइक के कोई सबूत नहीं मांगे, मेरे पास वो पूरा वीडियो है जो अरविंद केजरीवाल जी ने तब जारी किया था, आप चाहें तो मैं उसको स्टूडियो पर दिखा सकती हूँ। लेकिन होता क्या है कि बीजेपी का प्रचार तंत्र इतना ज्यादा नेगेटिव है कि एक ही झूठ को अगर आप 100 बार कहते रहेंगे तो भी लोगों को सच लगता है। और आज बीजेपी जो है वो इसी झूठ की राजनीति कर रही है कि बोलते रहिए किसी के बारे में अनर्गल अनर्गल बोलते रहिए अनर्गल बोलते रहिए, सोशल मीडिया पे जो पेड जो आपकी टीम बैठी हुई है अपना प्रोफाइल लॉक करके वो लोग बैठते हैं और आपकी फेसबुक वॉल पर आकर कुछ भी उल्टा सीधा वो लोग लिखते हैं, अनर्गल प्रोफाइल करते हैं और प्रोफाइल उनका लॉक होता है। ठीक है उमा जी समझिए, आपने कहा कि कर्नल कोठियाल साहब जो है वो बहुत ईमानदार नेता है, कोई दो राय नहीं इसमें, कोई शक नहीं इसमें, लेकिन समस्या ये है कि अरविंद केजरीवाल के निर्देशन में ही तो काम करेंगे। तो आपको लग रहा है कि कर्नल अजय कोठियाल के नाम पर आप राष्ट्रवाद वाला जो कार्ड है उसको खेल पाएंगे बखूबी उत्तराखंड में, जब अरविंद केजरीवाल सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगा करते थे दिल्ली में? देखिए मैं वही आपको बोल रही हूँ कि हम कोई राष्ट्रवाद का कार्ड नहीं खेलेंगे। देखिए राष्ट्रवाद का कभी कोई कार्ड नहीं हुआ करता, मैं समझती हूँ कि अगर हम कार्ड शब्द का यूज कर रहे हैं तो ये खुद ब खुद हमारे हमारी जो देशभक्ति है पूरे देश में हर व्यक्ति की, चाहे वो सुनीता जी है चाहे वो अमरजीत भाई है, आप सबकी देशभक्ति पर प्रश्न, ये वर्ड ही अपने आप में बहुत बहुत मतलब नेगेटिव वर्ड है कि राष्ट्रवाद का कार्ड, हम सभी राष्ट्रवादी हैं। आप शिक्षा का कार्ड खेल रही हैं, आप अच्छे स्कूल के नाम के मॉडल का कार्ड खेल रही हैं, आप अच्छे स्कूल बनाने के नाम का कार्ड खेल रही हैं। देखिए आम आदमी पार्टी ने जो दिल्ली में जो काम किया जिसको कि हम बार बार दिल्ली मॉडल कह के प्रचारित करते हैं, उसमें हमारा मेन जो दिखाने के लिए, देखिए हम कहेंगे कि आपने क्या किया, आप मेरे से प्रश्न पूछेंगे कि आपने क्या किया तो हम कहेंगे कि दिल्ली में हमने स्कूल बनाए हैं और उसमें हम कोई झूठ नहीं कह रहे हैं, जो है वो सामने है, आप हमने यहाँ के स्वास्थ्य सेवाओं को सुधारने का प्रयास किया जो है वो सामने है, हमने और जो दूसरी तमाम योजनाएं वहाँ पर चलाई है वो सामने है। ठीक है, आपने दिल्ली में स्कूल बनाए, अगर आप दिल्ली के मॉडल को दिखाएंगी तो दिल्ली में जो स्कूल बनाए उन स्कूलों तक पहुंचने के लिए जो रास्ते हैं वो दरअसल उनमें किस तरीके से पानी भर जाता है बरसातों में ये सभी ने देखा है। दिल्ली में AQI लेवल ऑक्सीजन का क्या है, एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है, ये सभी को पता है। यमुना जी की तस्वीरें हम सभी ने देखी कि किस तरीके से पहली बार पानी के ऊपर बादल दिखाई दिए और कितना हजार्डस और कितना ज्यादा हार्मफुल था ये, तो ये सब तस्वीरें भी हमने देखी हैं दिल्ली की। तो ये दिल्ली मॉडल में शामिल हैं या दिल्ली मॉडल से एक्सक्लूडेड हैं या इंक्लूडेड हैं, थोड़ा सा समझाइएगा कि दिल्ली मॉडल इनको इंक्लूड कर रहा है कि एक्सक्लूड कर रहा है। इस प्रश्न का जवाब भी मैं आपको जरूर देना चाहूंगी। सबसे पहला तो मेरा मतलब आंसर ये है कि मैं सबसे पहले आपको एक बात काउंटर कर दूं छोटी सी, MCD पर इल्जाम मत लगाइएगा, बात रखिए। आप ये बताइए जब है ही वो सब चीजें MCD के पास में इल्जाम क्यों ना लग रहे हैं आप, MCD को एक बार हमारे साथ दे दीजिए ना, इस बार बीजेपी से हटा के मैं अपील करती हूँ आपके चैनल के माध्यम से दिल्ली की जनता को, इस बार MCD आपको केजरीवाल सरकार को दीजिए, आम आदमी पार्टी को MCD दीजिए, उसके बाद हम बताते हैं। और दूसरी बात ये जो देखिए केजरीवाल जी ने प्रदूषण रोकने के लिए अपनी तरफ से जो कोशिशें हो सकती थी वो करी, ऑन ऑफ भी किया उन्होंने, 15 दिन ऑन 15 दिन ऑफ जो और इवन और ऑड चलाया था, बीजेपी वालों ने सबसे ज्यादा उससे क्वेश्चन उठाए थे कि केजरीवाल जी ने ये तानाशाही कर दी है और पता नहीं क्या क्या आप लोगों ने बोला। हम लोगों ने पराली के बारे में बात की तो उससे बीजेपी वालों ने ऑब्जेक्शन किया, हम लोगों ने अगर ये कहा कि दिवाली पर या किसी दूसरे त्यौहार पर पटाखे नहीं चलाएंगे तो आपने इस बात को हिंदू पक्ष में छोड़ दिया। मेरे को समझ में नहीं आता कि हम मतलब अगर हम पटाखों पर प्रतिबंध ना लगाएं तो आप कहेंगे यहाँ पे पॉल्यूशन बढ़ रहा है, पटाखों पर प्रतिबंध लगाते हैं तो आप कहते हैं हम हिंदुओं के खिलाफ है, मेरे को बात ही समझ में नहीं आ रही कि करें क्या। ठीक है, वही तो है कि करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। अरविंद केजरीवाल जी की सारी कोशिशों, चलिए सुनीता बोड़ाई जी बहुत देर से उत्सुकता के साथ कुछ कहना चाह रही है। जी सुनीता जी, सुनीता जी आप देखिए, अब सुनीता जी आप पर आएंगे, आप जो कहना चाहती कहिएगा, लेकिन सुनीता जी उससे पहले एक सवाल है आपसे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड आए देहरादून आए, हाँ या ना? नहीं,
अपनी बातों को रखने आए, जनता से बातचीत करने आए, संवाद करने आए, जनता को अपनी बातें बताने आए, कहने आए। आपके कितने विधायक हैं उत्तराखंड में इस वक्त? 57। ठीक है, ये सभी विधायक जनता से अपनी बातचीत करते हैं, उनके साथ कनेक्शन है इनका? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, हमारा एक कार्यक्रम जाता है 3:30 बजे, एडिटर इन चीफ हरी ससवाल साहब है हमारे, सर जी हैं, वो करवाते हैं इस कार्यक्रम को। तो इस कार्यक्रम में क्या है कि हरीश जो सर है हमारे, वो दरअसल हर ग्रामीण से, हर गांववासी से 1-to-1 कनेक्ट करते हैं। किसी राजनीतिक पृष्ठभूमि से उनका कोई लेना देना नहीं, कोई दिलचस्पी नहीं, ये आम आदमी है, आम नागरिक है जो आपके उत्तराखंड में रहते हैं। ये क्या कुछ कह रहे हैं अपने विधायक के बारे में, पहले आप इस वीडियो के जरिए सुनिएगा और बड़े ध्यान से, बड़े इत्मीनान से सुनिएगा और फिर आप मुझको बताइएगा। वीडियो चलाइएगा प्लीज। हरक सिंह रावत जी कितना दिखाई देते हैं क्षेत्र में? बिल्कुल नहीं दिखाई दिए 4.5 सालों में, वो अब थोड़ा दिखाई दे। तो शायद यही कारण है कि वो बार बार विधानसभा छोड़ते हैं और कोई नई जगह देखते हैं, यही कारण है। बिल्कुल बिल्कुल राइट। तो कोटद्वार, कोटद्वार में और अभी भी वो बहाने बना रहे हैं, अगर वो ये कहकर पब्लिक को बुलाए ना कि हरक सिंह जी आ रहे हैं, विधायक जी आ रहे हैं, आप आ जाओ, मैं कह रही हूँ कि एक महिला ना जाए वहाँ पे। बिल्कुल नहीं, अपना रोष प्रकट करने का तरीका भी यही है कि आपको कोई झंडे डंडे लेके जाने की जरूरत नहीं है, जाने की ही जरूरत नहीं है ऐसी जगह, अगर आपको रोष प्रकट करना है अपना। प्रमोद नहीं जाते, लेकिन उनको बहाने बहाने। हाँ, थोड़ा प्रमोद पूजा जी, थोड़ा प्रमोद जी से भी सुनते हैं। प्रमोद जी, क्या स्थिति है आपकी तरफ? सर मैं पूजा दीदी की बातों को आगे बढ़ाना चाहूंगा जी। जैसे आपने डॉक्टर हरक सिंह रावत जी की बात करी, जो हमारे वर्तमान विधायक हैं। हाँ जी। कल मैं उनका एक इंटरव्यू सुन रहा था, वो मुझे बड़ी हंसी आई। वो कह रहे मैं जापान गया, मैं सिंगापुर गया और मैं अपने उत्तराखंड की रोडों में आया और मैंने वो देखा कि उस स्तर की रोड बनी है। सर आप यहाँ कोटद्वार में आके देखिए, पता नहीं चल रहा सर कि रोड में गड्ढे हैं कि गड्ढे में रोड है, बहुत भयानक हालत है। और जैसे कि दीदी ने बताया कि पानी की समस्या है, सबसे बड़ी समस्या मैं आगे जोड़ना चाहूंगा सर स्वास्थ्य की, जो दीदी ने बताया। यहाँ पे रोजगार की सबसे बड़ी समस्या है। जब वर्तमान विधायक डॉक्टर हर सिंह रावत जी चुनाव से पहले यहाँ आए थे पिछली बार, तो उन्होंने रोजगार के लिए बात करी थी। मैं सर चुनौती देना चाहता हूँ डॉक्टर हर सिंह रावत जी को और भाजपा की सरकार को कि आप बताइए कोटद्वार में कितने युवाओं को रोजगार दिया आपने। मैं युवाओं की तरफ से बात करूंगा सर, यहाँ पे ना रोजगार दिया गया है, स्वास्थ्य की सुविधा सर ऐसी है, हॉस्पिटल में जाइए सर, आज कोटद्वार में हर एक नागरिक कहता है कि ये हॉस्पिटल नहीं, ये रेफर सेंटर है सर, यहाँ दवाइयाँ नहीं मिल रही है, यहाँ वेंटिलेटर नहीं है, यहाँ कुछ नहीं है। तो सुनीता जी, बड़े ध्यान से सुना होगा आपने, तो सुनीता जी इस चीज को समझिए। आपने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी आते हैं, जनता के साथ संवाद करते हैं क्योंकि चुनाव नजदीक है, ठीक है, समझ में आता है। आपके विधायकों के लिए एक आम ग्रामीण क्या कुछ कह रहा है हमारे इस कार्यक्रम मेरा देश मेरा गांव में, आपने सुना होगा जब एडिटर इन चीफ को इन लोगों ने बताया कि कोई विधायक झकने तक नहीं आया। एक गृहिणी, एक महिला बता रही है कि विधायक जी तो आज तक उनकी शक्ल ही नहीं देखी, चेहरा भूल गए उनका। और दूसरा जो एक युवा है वो चैलेंज कर रहा है आपको, वो चैलेंज करते हुए कह रहा है कि आप बता के तो दिखाइए कि आपने कितने युवाओं को रोजगार दिया है। जी जी बिल्कुल, देखिए ये तो रोजगार के आंकड़े आपके सामने है और डे बाय डे मेरे सामने तो बेरोजगारी के आंकड़े भी करेंसी से दिखाते आए हैं। अब रही बात जो प्रमोद रावत जी ने यहाँ पे बात की और पूजा त्यागी जी ने कही, तो विरोधी कुछ ना कुछ तो कहेंगे ही। मैं खुद कोटद्वार विधानसभा से हूँ, क्या बातें कर रहे हैं कि नहीं दिखते आप। हरक सिंह रावत जी का सोशल मीडिया देखिए कि वो कितना सोशल मीडिया पर विधायक जी को देखेंगे। वाह तालियां, सोशल मीडिया पर अब विधायक जी सोशल मीडिया पर दिखेंगे। नहीं नहीं, सोशल मीडिया पर आप कह रही कि सोशल मीडिया पर दिखते हैं तो विधायक जी को मतलब अब सोशल मीडिया पर देखेंगे। तो कोटद्वार की जनता को प्रणाम सुनीता जी की तरफ से। सुनीता जी खुलकर बोलिए, सोशल मीडिया पर दिखते तो हैं, उनकी फेसबुक पर जाइए दिखते हैं, उनके ट्विटर पर जाइए दिखते हैं। बीच में होना, जनता के बीच में होंगे उसके बाद ही सोशल मीडिया में दिखाई देंगे। आपको तो इसलिए दिखते हैं क्योंकि आपकी पार्टी के, आपको तो पार्टी कार्यालय पर मीटिंग देते हुए दिख जाते होंगे। आम जनता, आम ग्रामीण को, आम ग्रामवासी को कब दिखेंगे, क्या सोशल मीडिया पर दिखेंगे? विधानसभा में है शपथ ग्रहण भी अब सोशल मीडिया पर करेंगे। कालागढ़ की बात कर लीजिए, चुनाव भी सोशल मीडिया पर ही करवा देते हैं मैडम। बात कर लीजिए और तीनों मंडलों में
हरक सिंह रावत जी हमेशा क्षेत्र में रहे हैं और बीच में रहे जनता के, आप बताइए। मैं तो आपको यहाँ पे, ये तो प्रमोद रावत जी अभी बोल रहे थे, ये तो या तो प्रमोद जी झूठ बोल रहे हैं, पूजा जी झूठ बोल रही हैं, आप झूठ बोल रही हैं। नहीं, मैं इसलिए इस बात को बोल रही हूँ क्योंकि मेरा खुद घर वहीं पे है मेरा। अरे आपका घर है, आपका घर है, आपके पड़ोसी होंगे, आपको दिखते होंगे। लेकिन जिस क्षेत्र की जनता के, वो जिस कंस्टिट्यूएंसी के विधायक हैं, वहाँ कब जाएंगे? क्षेत्र से हूँ और आपको वहाँ पे जनता के बीच में लगातार उनके कार्यक्रम होते हैं, लगातार जनता के बीच में है। और मैंने ये यही बात इसीलिए कही कि सोशल मीडिया में जब आप देखेंगे उनको, तो आप देखेंगे कि वो हर जगह जनता के बीच में ही है। कोई अकेले फोटो देखने की बात नहीं कर रही हूँ मैं कि आप सोशल मीडिया में ही विधायक जी को देखिए, मैं कह रही हूँ जनता के बीच में। देखिए मैंने तीन मंडलों की बात की, भाबर मंडल में लगातार वो सक्रिय है, नगर मंडल में सक्रिय है, कालागढ़ में, तीन मंडल है कोटद्वार विधानसभा में, और तीनों मंडलों में लगातार वो जनता के बीच में है। अब इन लोगों ने किस वजह से ये विरोध किया, क्यों कर रहे हैं, इनकी बात हम देखिए, एक बात बताता हूँ आपको, हमारा जो कार्यक्रम है उसमें हम रैंडम लोगों को चुनते हैं, रैंडम लोग हमारे पास आते हैं, उनसे रैंडमली हम बात करते हैं। देखिए कई बार क्या होता है, आप सच का सामना तो करेंगे ना, बिल्कुल आप डिसमिस तो नहीं करेंगे ना किसी को, जनता अगर कुछ कह रही है तो उसको सुनेंगे ना, एज अ सजेशन तो उसको लेंगे ना। जनता पे पूरा भरोसा है और अगर जनता ये कह रही है कि हमें उनकी आने की सूचना नहीं है, मे भी हो सकता है उन बहन को पूजा जी को नई सूचना मिली हो तो उन्हें अपनी बात रख दी और अच्छे तरीके से रखी, उसमें कोई दो राय नहीं, उन्हें विधायक जी के दर्शन के उपरांत उस चीज से भी समस्या है। सुनीता जी सिर्फ विधायक जी के दर्शन की बात नहीं है, दर्शन के साथ साथ अस्पताल जो है उनका भी उन्होंने दर्शन बताया कि क्या अस्पतालों की क्या हालत है, बदहाल हालत है, खस्ता हाल हालत है। विधायक जी जरा अस्पतालों का भी रुख कर ले। हेलो, मैं कह रहा हूं जो हालत अस्पतालों की है उनका दर्शन भी उन्होंने बताया, भी पूजा जी ने भी बताया और प्रमोद जी ने भी बताया, तो अस्पतालों को भी देख ले जरा। नहीं, बिल्कुल, देखिए स्वास्थ्य सुविधाओं की जहां तक कोटद्वार की बात है, जब पीछे कोरोना का वो एकदम से अचानक जो सेकंड वेव जब आई थी, तो निश्चित रूप से ऐसा हुआ था कि हम लोगों को बहुत सारे मरीज जो क्रिटिकल थे, अब उन लोगों को जो है वो रेफर हुए हैं, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है, ये सब लोगों के सामने है चीजें, तो हम उसमें आपको बिल्कुल नहीं यहाँ पे झुठला रहे हैं और ना ही उनको झुठला रहे हैं। वो जनता है, वो भुक्तभोगी है, हमने खुद अपने परिवारों के लोगों को खोया है, तो हमें भी वो पीड़ा है। कोरोना लहर से ठीक है, आपका एक्सक्यूज मान लिया, सारी सुविधाओं को मजबूत किया गया, बहुत सारी चीजों में इजाफा हुआ, बहुत सारी चीजें वहाँ पे, जैसे डायलिसिस सेंटर का कितना बड़ा हुआ, अभी आपने देखा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने वहाँ पे हमारे, नहीं मैंने आपकी बात को मान लिया, आपके एक्सक्यूज को समझ लिया मैंने, आप कोरोना की जब दो लेयर्स, जब कोरोना की दो लहरें जा चुकी है, दो वेव्स कोरोना की जा चुकी है, तीसरी वेव्स की आशंका है कि वो कभी भी आ सकती है, आप अस्पतालों को दुरुस्त क्यों नहीं कर रहे? नहीं, बिल्कुल, देखिए सेकंड वेव में थोड़ा ऊपर नीचे हुआ था, हम बिल्कुल नहीं डिनाई कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद आज आप कोटद्वार में जाके देखिए बहुत सारी फैसिलिटीज जो है वो उपलब्ध है, लोग बहुत, पूरा आपका पौड़ी गढ़वाल से नीचे का पूरा कोटद्वार ही आते हैं, और पौड़ी के बाद नीचे बहुत सारी यमकेश्वर ब्लॉक है, बीच में दुगड्डा है, आपके सतपुली के बाद वही आते हैं, सतपुली में बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, उसके बाद जितने भी इधर उधर गाँव के लोग है सारे कोटद्वार ही आते हैं। लेकिन सेकेंड वेव में ऐसा जरूर हुआ था कि जब क्रिटिकल कंडीशन हुई थी तो बहुत सारे लोग रेफर भी हुए थे, एम्स नजदीक है तो सब लोगों ने एम्स में भी रेफर किया था, बहुत ऐसी चीजें हुई थी। लेकिन अभी उसके बाद बहुत सारी फैसिलिटीज कोटद्वार हॉस्पिटल को दी गई है, लगातार हमने स्वास्थ्य सुविधाएं वहाँ पे प्रदान की है और हम लोग और भी कार्य बहुत ज्यादा वहाँ पे कर रहे हैं, बहुत सारी अभी सेंटर का उद्घाटन हुआ। ठीक है अमनदीप साहब, जब 2017 में सत्ता जो थी आपके हाथों से ट्रांसफर होकर बीजेपी के पास गई, उससे पहले क्या स्वास्थ्य विभाग, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं जो थी आपने इतनी दुरुस्त नहीं कर रखी थी कि आगे चलकर इनको इतनी परेशानी हुई बीजेपी वालों को? स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक थी, अब ये भाजपा सरकार जो सेकंड लेयर कोरोना की और थर्ड लेयर की बात कर रही है, सेकंड लेयर में भाजपा सरकार, भाजपा के शासनकाल में स्वास्थ्य विभाग किस प्रकार से फेल हुआ वो तो जनता को पता है। अभी जैसे सुनीता जी ने कहा कि क्रिटिकल कंडीशन थी, लेकिन आप तो शायद से विकास की बात भी करते हैं और विकास में स्वास्थ्य विभाग भी आता है। आपके शासनकाल में हमारे जो आपका जिस प्रकार से
कंडीशन इतनी प्रदेश की खराब हुई और प्रदेश में जनता को निरंतर दुख देखने पड़े और हमारे कहीं काफी हमसे जो हमारे थे हमसे दूर हो गए। प्रदेश की जनता का दुख दर्द शायद आपने सुना ही होगा और शायद जो सोशल मीडिया की आप बात करते हैं वो भी आपने शायद देखा ही होगा कि किस प्रकार से प्रदेश के अंदर निरंतर दिक्कतें चल रही। कोरोना काल में पूरे आप विधायकों की बात करते हैं, मैं राजपुर विधानसभा देहरादून से हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ ना, आप बात कर रहे हैं ना, अभी आपने कहा कि प्रदेश प्रत्येक विधायक आपका जनता के बीच में है, मैं देहरादून में राजपुर विधानसभा से हूँ, मेरे विधानसभा के विधायक मेरे को पूरे कोरोना काल में नजर नहीं आए और आप बात कर रहे हैं कि हमने बहुत विकास किया और आज हम प्रत्येक मतलब जनता के बीच बीच में जाके भाजपा सरकार काम कर रही है। आप जनता की नहीं सुनते, आप खाली अपनी बताते हैं। आपके मैडम आपके शासन काल में इतना बड़ा घोटाला हो गया, सरकार ने तब एक्शन नहीं लिया। जनता की सीधे सीधे जनता के स्थिति जनता के स्वास्थ्य से आपने खेला, ये जनता भी नहीं भूलेगी, अभी जनता नहीं भूलेगी। आप बोल रहे हैं क्रिटिकल कंडीशंस की बात कर रहे हैं ना, ये बात आप सेकंड लेयर में करते हैं, थर्ड लेयर आने वाली है, लेकिन आपके कौन से आपने कौन सा विकास कर रखा है स्वास्थ्य विभाग में, हमने तो आज इतने आप ये बताओ ना बचाई है उत्तराखंड में। अगर आप दोनों ऐसे ही लड़ते रहेंगे आपस में, अगर आप दोनों ऐसे ही लड़ते रहेंगे आपस में तो उमा जी बाजी मार जाएंगे। बात लड़ने की नहीं है, बात है जनता की बात की, ये तो बात है, जनता तो देख रही है आपको किस तरीके से आपकी लड़ाई जो है प्रवक्ता, ये जो आप आज आगे कह रहे हैं ना, अभी अभी आपने वीडियो दिखाया उसमें जनता ही बोल रही है, कोई विरोधी नहीं बोल रहा आपका, अब आपने बोल दिया जनता आपके बारे में मंदिर जी बहुत कुछ कहती है। किसी दिन अगर थोड़ा सा और समय होगा तो वो भी दिखाऊंगा आपको, आपको भी आईना दिखाया जाएगा बिल्कुल। 2017 के मैंडेट में वो फेल हो चुके हैं, सब चीजों पे ना जाइए, भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छा कार्य किया। ठीक है, उमा जी पर आएंगे, ठीक है, दोनों लोगों का ऑडियो डाउन करिएगा जरा, उमा जी पर आएंगे। उमा जी आप तुम मैं जो चल रही है उसको सुन रही होंगी, इनके पास मुद्दे हैं क्योंकि ये लोग अल्टरनेटिवली एक के बाद एक एक के बाद एक एक के बाद एक सत्ता में आते रहे जाते रहे आते रहे जाते रहे, सबने बराबर सुख भोगा है सत्ता का। आप पहली दफा आए हैं, इंट्रोडक्टरी फेज है आपका, अभी तो पहचान बनाने का समय चल रहा है आपका, आपके पास क्या है, ब्लूप्रिंट क्या है? ठीक है दिल्ली मॉडल की आप बात करते हैं, ठीक है, लेकिन क्या कुछ सोचा तो होगा, कुछ विचारा तो होगा मन में? देखिए फिर हम लोग जिस मुद्दे को लेकर उत्तराखंड में आए हैं, हमारा सबसे मेन जिससे हम लोग हमेशा बात करते हैं हमारे शिक्षा और हमारे स्वास्थ्य पर बात करते हैं। मैं आपको एक इंसिडेंट बताना चाहूंगी, कल मैं एक सेमिनार में थी, वहां पर मेरे बहुत घनिष्ठ मित्र है, कांग्रेस की प्रवक्ता है, उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में जो है वो स्कूलों की जो भवन है वो बहुत जर्जर है, बड़ी बुरी हालत में है, स्कूलों के भवन बहुत जर्जर है, इस तरह से वो बोल रही थी। उस समय मैं सोचने पर मजबूर हुई कि कांग्रेस ने अगर 5 साल पहले बढ़िया भवन बनवा दी होते तो क्या वो 4-5 साल में टूट चुके हैं सारे भवन? यार 5 साल पहले तो आपकी सरकार थी ना, आप बढ़िया सीमेंट के भवन बनवा देते तो क्या यार बीजेपी वालों ने जाके वहाँ फावड़े से तोड़े हैं उन भवनों को? मतलब कहने की मैं बात ये है, क्योंकि आज कांग्रेस विपक्ष में है इसलिए बड़ा आसान हो जाता है उंगली उठाना। 4-4.5 साल पहले तो आप ही थे भाई, आप ही के पास सत्ता थी तब आपने क्यों नहीं भवन बनवा दिए? और दूसरी बात, वहां पर बीजेपी की भी मेरी एक बहन थी, उन्होंने ये कहा कि क्योंकि कांग्रेस ने हमें अच्छे स्कूल नहीं दिए और हम लगे हुए हैं स्कूलों की दशा सुधारने से, लेकिन इतना बड़ा काम है कि हम उसको कर रहे हैं और उसको पूरा करने के लिए हमें 5 साल और चाहिए। यही बात 2017 में मोदी जी ने कही थी कि उत्तराखंड को हम 5 साल में देश का नंबर वन बना देंगे, और अभी उन्होंने 2022 में आकर फिर से ये बात बोली है कि हम उत्तराखंड को सर्वश्रेष्ठ बना देंगे देश में नंबर वन। अब मैं ये सोचती हूँ कि अगर उत्तराखंड नंबर वन हो गया आपके यहाँ पर बीजेपी की सरकार है, तो क्या आप हरियाणा को जाकर बोलेंगे कि भाई हम तुम्हें नंबर टू बना देंगे, क्योंकि उत्तराखंड तो नंबर वन हो गया, वहां पर जाके आप फिर बोलेंगे हम हरियाणा को नंबर वन बना देंगे? मतलब ये सिर्फ शगुफेबाजी, सिर्फ एक दूसरे के ऊपर टालने की जो राजनीति कांग्रेस और बीजेपी दोनों की रही है, ये उत्तराखंड का सबसे बड़ा दुर्भाग्य रहा है। आप बोले कि आपने काम नहीं किया, बीजेपी बोलती है कि आपने हमें पीछे से इस तरह की सरकार दी है कि हम उन्हें संभाल ही नहीं पा रहे हैं, हम वो चीजें ठीक ही नहीं कर पा रहे, हमें और टाइम चाहिए करने के लिए। तो मैं समझती हूँ एंकर महोदय, उत्तराखंड के साथ सिर्फ मजाक हुआ है, और इस बात को तो बीजेपी खुद अच्छी तरह से समझती है कि अगर त्रिवेंद्र रावत जी, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी इन लोगों ने कुछ काम किया होता तो इनको बार बार मुख्यमंत्री नहीं बदलने पड़ते। अगर देखिए ये हमेशा बोलते हैं कि ये हमारे संगठन का मामला है, हम चाहे एक मुख्यमंत्री बनाए चाहे हम ज्यादा मुख्यमंत्री बनाए, भाई अगर मुख्यमंत्री बनाने की तस्वीर बीजेपी ने खोली है तो बाकी के जो विधायक है उनको भी बना दीजिए, अभी दोनों दिन के लिए सबको बना दीजिए, सबकी पेंशन लग जाएगी।
तो मैं समझती हूँ कि उत्तराखंड में जो भद्दा मजाक कांग्रेस और बीजेपी ने आज तक किया है, और सिर्फ नूरा चिश्ती, आप लोग बहुत ज्यादा झगड़ा करते हैं, सारे प्रवक्ता एक दूसरे से बहुत झगड़ते हैं, नेता फिर एक दूसरे के बारे में बड़ी खिचाखिची करते हैं, क्योंकि चुनाव का टाइम है, और जब चुनाव जीत जाता है उसके बाद कोई भी कार्यवाही ना तो कांग्रेस विपक्ष इन पर बीजेपी वालों पर करती है, ना बीजेपी जो है वो कांग्रेस वालों पर करती है। अंदर अंदर जो इस तरह का जो इनका गठजोड़ बना हुआ है खासतौर पर उत्तराखंड में, वो काबिले तारीफ है। मैं नमन करती हूँ कांग्रेस और बीजेपी की जुगलबंदी को उत्तराखंड में, और साथ ही मैं समझती हूँ कि उत्तराखंड की जनता जरूर देखेगी कि किस तरीके से कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने ही जनता को बेवकूफ बनाने का प्रयास किया है। सामने टीवी स्क्रीन पर झगड़े होते हैं और उसके बाद जब सरकार बन जाती है तो बड़ी मिलीभगत के साथ काम हो जाते हैं, किसी के ऊपर कोई ना भ्रष्टाचार की कार्यवाही होती है, ना कोई नेता पकड़ा जाता है, ना कहीं अंदर जाता है, कुछ नहीं होता। अभी हरक सिंह रावत जी के बारे में बात चल रही थी, तो मैं समझती हूँ हरक सिंह रावत जी तो खुद बड़ी गले की हड्डी इस समय बीजेपी की बने हुए हैं, वो तो चाहते हैं कि वो कहीं मतलब वापस जहाँ से आए थे वहीं चले जाए, कांग्रेस वाले उनको लेने के लिए राजी नहीं। यशपाल आर्य जी के लिए क्या कहेंगे आप? यशपाल आर्य जी के लिए क्या कहेंगे आप? देखिए यशपाल आर्य जी, बीजेपी वालों ने यशपाल आर्य जी को पहले लिया, फिर उनको जाने के लिए मजबूर किया। मैं वही बोल रही हूँ भाई कि ये जो आपस में जो भेगा मुश्ती इन लोगों की चलती रहती है ना, कि सर सत्ता के लिए आप कभी इस दल में और कभी सत्ता के लिए आप उस दल में, बड़े गुणा मतलब जोड़ घटा के बाद सब एक दूसरे दलों में जाते रहते हैं। उनको लगता है कि कांग्रेस की गवर्नमेंट आ जाएगी इस बार, बीजेपी का जो मतलब आपकी बातों का लबुल हुआ ये है कि एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, जब सरकार देखते हैं कि कहां पर सत्ता का सुख मिल सकता है, उछल कूद कर वहीं पहुंच जाते हैं। ठीक है, देखिए मैं इसमें बिल्कुल मैं कहना चाहती हूँ, मैंने पहले भी कई डिबेट में कहा है कि कुछ जो विधायक हैं वो 8-9-10 जो विधायक हैं, मैं अपील करती हूँ कि कांग्रेस या बीजेपी दोनों ही उनको टिकट ना दे, तो मुझे लगता है कि वो हमारे उत्तराखंड की लोकतंत्र के लिए ज्यादा बेटर सिद्ध होगा। तो जिस तरीके से ब्लैकमेलिंग की राजनीति उनकी कांग्रेस में भी और बीजेपी में भी चलती है, वो उत्तराखंड के लिए खतरनाक है, यहाँ के लोगों के लिए खतरनाक है। ठीक है उमा जी, दरअसल जब चुनावों से पहले जब रैलियां होती हैं तो रैलियों में जो भीड़ दिखती है वो काफी महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि लोगों के माइंडसेट को क्लियर करता है ये कि जो जितनी भीड़ दिख रही है अगर ये भीड़ वोटर्स में कन्वर्ट हो गई तो फायदा हो जाएगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो रैली थी, रैला कहूंगा उसको, उसमें तो बहुत भारी संख्या में भीड़ थी, तो क्या अरविंद केजरीवाल अगर रैली करते हैं तो इतनी भीड़ दिख सकेगी? देखिए सबसे पहली बात तो जो मैं मतलब क्लियर करना चाहती हूँ कि जिस तरीके से कोरोना का ग्राफ उत्तराखंड में लगातार बढ़ रहा है और सभी इससे चिंतित हैं, तो मुझे मतलब मैं इसमें कोई क्लियर नहीं हूँ। हो सकता है कि आम आदमी पार्टी रैली करे, केजरीवाल जी की बड़ी रैली करे, और हो सकता है कि हमारा जो चीफ नेतृत्व है वो बड़ी रैलियों को इस समय नकार दे और सिर्फ छोटी जनसभाओं पर ही फोकस करे, क्योंकि कोरोना ग्रे में मत रखिए, या तो ब्लैक रखिए या व्हाइट रखिए, इस चीज को समझिए। आप कह रही हैं कोरोना है तो शायद हो भी सकती है बड़ी रैली, शायद नहीं भी हो सकती है। कोरोना तो है, थर्ड वेव आने की आशंका तो पूरी है, जनवरी तक थर्ड वेव आने की पूरी आशंका है, ओमिक्रॉन जो है उसके केसेस भी मिलने लगे हैं, तो आप या तो रैली करेंगे या नहीं करेंगे? मुझे अभी इस बारे में कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं है कि अरविंद केजरीवाल जी देहरादून कब आएंगे। ठीक है, आपने बात को यहीं पर कट कर दिया। सुनीता जी, ठीक है सुनीता जी के पास आ रहे हैं। सुनीता जी ये बताइए, यशपाल आर्य जी, आपने उनको मंत्री बनाया, सुख सुविधा दी, हर चीज दी, लेकिन अब वो पासा पलट गया, अब वो इस जगह से उठकर उस जगह पर पहुंच गए, आप इसको कैसे ले रहे हैं? नुकसान की तरह तो नहीं ले रहे हैं? नहीं नहीं, देखिए ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है और जो हमारे सिद्धांत है, अगर वो किसी की समझ में नहीं आते हैं तो लोग ऐसे ही जो है आके चले जाते हैं, ये तो जग जाहिर है। और जब हम लोगों ने उनको इतना सम्मान दिया, सब चीजें बहुत अच्छे से चल रही थी और हमें कभी अंदेशा भी नहीं हुआ कि उनकी तरफ से ऐसी भी कोई आंतरिक जो है वो गुफ्तगू जो है वो चल रही है, क्योंकि हमारे यहाँ पे देखिए आप भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो यहाँ पे हर एक जगह पे जितने भी हमारे विधायक अपने अपने क्षेत्रों में काम कर रहे हैं सभी लोग बड़े संतुष्ट होके काम कर रहे हैं और जनता उनके बीच में रहते हैं। लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने एन मौके में जो भी उनको लॉलीपॉप कांग्रेस ने दिखाया या जैसा भी उनका स्वार्थ रहा, जब भी वो पार्टी नीति से ऊपर उठकर अपने स्वार्थों वो तो लड्डू है ना, लड्डू जितना बड़ा लड्डू उस तरफ जाते हैं, लड्डू है ना, आपने मंत्री नाम का लड्डू दिया, वो मुख्यमंत्री नाम का लड्डू खिलाने की कोशिश कर रहे हैं।
नहीं देखिए, ये कांग्रेस का तो मुझे नहीं मालूम कि उन्होंने, अगर वो कोई जैसे इनके पिछली डिबेट में इन्होंने कहा था कि दलित कार्ड हमने नहीं खेला है, ये इन्हीं की बात है, हम ये नहीं कह रहे हैं। और सीएम बनाने का जो इनका एक वाक्यात आया था वो भी इन्हीं की तरफ से आया था, उसमें भी हमारी कोई वो नहीं है। लेकिन मेन बात ये है कि जब लोगों के स्वार्थ ऊपर हो जाते हैं पार्टी से, तो लोग ऐसे हमेशा कार्य करते हैं, क्योंकि हमारे लिए, हमारी भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है उसमें राष्ट्र प्रथम है, संगठन द्वितीय है, और अंतिम पायदान के जो है व्यक्ति अपने आप को। जब कांग्रेस से वो आपकी पार्टी में आए थे, जब कांग्रेस से वो आपकी पार्टी में आए थे, तब आपको नहीं पता था कि वो स्वार्थ उनके लिए ऊपर है, प्राथमिकता है उनकी? नहीं देखिए, जब जब पार्टी के अंदर थे, जब आपकी पार्टी के अंदर एक से एक बड़े, आपकी पार्टी के अंदर, सवाल लीजिएगा सुनीता जी, सुनीता जी सवाल को कंप्लीट कर लीजिए, माफी चाहूंगा, थोड़ा सा लॉलीपॉप तो आपने भी खिलाई सुनीता जी, समझिएगा। जब आपने यशपाल आर्य जी को अपनी पार्टी में लिया, तब आपके पास क्या दिग्गजों की कमी थी, दिग्गज नेताओं की कमी थी कि आपको दूसरी पार्टी से आए एक नेता को मंत्री बनाना पड़ा? नहीं देखिए, ऐसा होता है, ये सारी चीजें जो है संगठन तय करते हैं, और संगठन इसके लिए बहुत अनुभवी हैं, और ये उन्हीं के जो इन चीजों के लिए वही ऑथोराइज हैं, और उन्होंने सोच समझकर ही अपने समय में वो सारे कार्य किए थे। लेकिन अब जब उनके आगे स्वार्थ नहीं थे तो वो हमारी पार्टी से ना रहे, जब उनको स्वार्थ बड़े लगने लग गए, तो वो व्यक्तिगत स्वार्थ जब बड़े हो जाते हैं तो लोग अक्सर ऐसी गलतियां कर जाते हैं। अभी आप देखिएगा आगे क्या होगा, तो ये तो समय बताएगा। लेकिन हम ये कहते हैं कि भाई, जिसको भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है समझ में आती है, और जो उनको मानते हैं, जो हमारी वैचारिक पद्धति से जुड़े हुए हैं, वो निश्चित रूप से भाजपा संगठन के साथ काम करते हैं। अब रही बात कांग्रेस जिस प्रकार से यहाँ पे बोल रही थी, तो मुझे तो इनके सारे जो आरोप है, आरोप भी ये सही से नहीं रख पाते हैं, इतने मुद्दा विहीन हो चुके हैं, इतने ठंडे बस्ते में है कांग्रेस। आम आदमी पार्टी के लिए क्या कहेंगे? ठीक है, कांग्रेस ठंडे बस्ते में, आम आदमी पार्टी के लिए क्या कहेंगे? देखिए, आम आदमी पार्टी पे मैं भी आ रही थी, इन्होंने पहले कहा कि हमारे कर्नल कोठियाल जी जो है वो एक फौजी हैं, और उनकी व्यक्तिगत जो है वो बहुत अच्छा वो है। तो आप एक तरफ तो कह रहे हैं कि हम राष्ट्रवाद का कार्ड नहीं खेल रहे हैं, दूसरी तरफ आप सर्जिकल स्ट्राइक पे उंगली उठाते हैं, और बहन जी कह रही है कि मैं आपको प्रूफ दे दूं, इससे ये तो सीधा सीधा ये हो गया, हाथ कंगन को आरती क्या, मतलब सारी दुनिया को पता है कि किस तरह से अरविंद केजरीवाल जी ने सर्जिकल स्ट्राइक पे उंगली उठाई थी, और कितना टाइम उसमें इन्होंने कितना परेशान किया था, पूरी जनता को इन्होंने गुमराह करने का काम किया था। और ये लोग आज बोल रहे हैं कि प्रूफ देख लीजिए, अरे जनता खुद प्रूफ देखती है, ढूंढती है, गूगल करती है, और अगर ये इतना ही है तो ये यहाँ पे दिखाइए लोगों को कि अरविंद केजरीवाल जी ने सर्जिकल स्ट्राइक पे उंगली नहीं उठाई थी, नहीं बोला था अगेंस्ट में, ये दिखाएं यहाँ पे। मैं घुमा फिरा कर क्यों कह रही हैं आप, खुलकर बोल दीजिए कि राष्ट्रवाद का जो कार्ड है उस पर आपका कॉपीराइट है। नहीं, कॉपीराइट किसी का नहीं, देखिए जिसकी भक्ति देश, जो देश प्रेम करता है, जो देश के लिए कार्य कर रहे हैं, जो राष्ट्रवाद की बातें करते हैं, उनको प्रूफ देने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन यहाँ पे इन्होंने जिस प्रकार से कोठियाल जी का, यहाँ पे मैं कहूंगी कि इन्होंने जिस चीज को लाके कर्नल कोठियाल जी को यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये हमारा सीएम चेहरा है, अरे भाई आपकी पार्टी को देखेगी ना जनता की, दिल्ली में आपने क्या कर्म किए हैं, किस तरीके से वो वहाँ पे निकम्मापन जो अभी केजरीवाल सरकार का दिख रहा है उसको जनता एनालिसिस। चलिए ठीक है, अपने ही लोगों को, आप यहाँ के लोगों को बोल रहे हैं, अभी ये कह रही है स्कूलों पे, मैं इससे पूछना चाहती हूँ दिल्ली में कितने नए स्कूल बने, कितनी नई बिल्डिंग बनी स्कूलों की, बताइए यहाँ पर, मैं चुप हो जाती हूँ, बताइए यहाँ पर। इस चीज में तो माहिर है आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता और नेता लोग, वो आपको बता देंगे। ठीक है, रुकिए जरा, एक चीज बिल्कुल नहीं, खाली इन्होंने पेंट किया पुराने स्कूलों में, रेनोवेशन किया, वो हम सबके सामने है, उसके लिए हम इनको बिल्कुल वो नहीं कर रहे, क्योंकि इन्होंने अब ये बातें कर रहे हैं उत्तराखंड में, ये आपने उत्तराखंड में कितने स्कूलों में रेनोवेशन कराया, आपने उत्तराखंड में कितने स्कूलों में पुताई करवाई, आपने उत्तराखंड के स्कूलों के लिए क्या किया? चलिए, उन्होंने पुताई करवाई, आपने पुताई करवाई, हमने देखिए आज आप देख रहे हैं कि उत्तराखंड के सरकारी स्कूल वर्चुअल लैब के माध्यम से शिक्षा ले रहे हैं, वर्चुअली लोग ऑनलाइन शिक्षा ले रहे हैं, हमारे तमाम स्कूलों में हमने बहुत सारी एजुकेशन की जो भी न्यू टेक्निक्स है उनको लाया है, हम लोग निरंतर जो है अग्रसर है। और कहाँ पर लाया है, मैदानी इलाकों में लाया है कि पहाड़ी इलाकों में लाया है? देहरादून को तो मैदानी इलाकों में या पहाड़ी इलाकों में, स्पष्ट करिए जी, मैदानी इलाकों में लाया है या पहाड़ी इलाकों में भी लाया है?
सभी देखिए शिक्षा की बात करें, स्कूलों की बात करें, हमने पहाड़ों के प्रत्येक सरकारी स्कूलों में हमने सुविधाएं दी। ये बात मैं भी जानता हूँ, ये बात आप भी जानती हैं। आप कह रही हैं कि हमने ऑनलाइन क्लासेस जो हैं वो स्कूल्स में अब इंट्रोड्यूस कराई हैं, और आप कह रही हैं कि हमने पहाड़ी इलाकों में भी किया है। मैं भी उत्तराखंड का ही रहने वाला हूँ, आप भी वहीं की हैं। नहीं बताइए आप, ये हम भी जानते हैं कि पहाड़ों में आज कनेक्टिविटी की जो समस्या है उससे तक निजात नहीं मिली है। आप कहाँ ऑनलाइन क्लासेस की बात कर रहे हैं? कनेक्शन नहीं आते, कनेक्शन नहीं आते, मोबाइल में कनेक्शन नहीं आते। आप ऑनलाइन क्लासेस की बात कर रही हैं सुनीता जी? ऑनलाइन क्लासेस की आप बात कर रही हैं, ये बात आप भी जानती हैं ईमानदारी के साथ कि वहां पर कनेक्शन तक आज बड़ी समस्या है। फोन्स के कनेक्शन नहीं आते, इंटरनेट नहीं चलता। देखिए कई जगह पे कनेक्टिविटी की जो प्रॉब्लम थी उसको भी दुरुस्त किया गया है, और लगातार भारतीय जनता पार्टी उसमें कार्य कर रही है, और हमने बहुत हद तक कनेक्टिविटी की जो प्रॉब्लम आ रही थी उसे भी सुलझाया है। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पे ये दिल्ली मॉडल की बात करते हैं, तो दिल्ली मॉडल और उत्तराखंड के मॉडल में पहली बात तो यह है कि यहाँ की भौगोलिक जो परिस्थितियां है वो बहुत ज्यादा भिन्न है, और जिस प्रकार से ये यहाँ पे आके बोल रहे हैं कि हम लोग जो है यहाँ पे चले ठीक है, मॉडल मॉडल बहुत हो गया मॉडल। आपने कहा कि दिल्ली मॉडल की बात कर रहे हैं, मॉडल माने आदर्श। उत्तराखंड का मॉडल क्या है आपने? उत्तराखंड का क्या मॉडल सेट किया आपने, बताइए? देखिए हमने शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, आपके स्वास्थ्य सुविधाओं के क्षेत्र, हर जगह पे हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं, और हमने तमाम चीजों पे वर्कआउट करके जनता के सामने भी चीजें रखी हैं, और लगातार भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। अभी ये लोग हमारी ये सब चीजें देखे इतना ज्यादा बौखला गए हैं कि दिल्ली की बातें कर रहे हैं। अरे दिल्ली का आप मुझे एक चीज बता दीजिए ना, एक स्कूल बता दीजिए जिसको आपने बनाया। अरे वो जब दिल्ली से आए हैं तो दिल्ली की बातें करेंगे, अगर वो मार्स से आए होते तो मार्स की बातें करते, प्लूटो से आए होते तो प्लूटो की बात करते। मैडम दिल्ली से आए हैं तो दिल्ली की ही तो बात करेंगे। बिल्कुल, तभी तो हम कहते हैं कि भैया दिल्ली जैसा हिसाब किताब उत्तराखंड में नहीं है, और उत्तराखंड की जनता आपकी इस भ्रामक उसमें नहीं आने वाली है, आपकी भुलावे में नहीं आने वाली है। मतलब हिसाब किताब आपने और कांग्रेस ने कुछ और ही बना रखा है उत्तराखंड का। देखिए उत्तराखंड, मैं आपको सही सी बात बताऊं, अभी तक आप सही बता रही हैं, उत्तराखंड को सिटी स्टेट समझ लिया है। ठीक है, इस चीज को समझिए आप, ये लोग सिटी स्टेट समझ रहे हैं। उत्तराखंड में जो स्थितियां हैं वो तो भैया आप लोग इनसे बोलिए हरिद्वार में रैली कराने के बजाय जरा पहाड़ों में कराते, तभी इन्हें समझ में आती। तो ये चीज जो ये नेशनल कैडर ले, नेशनल जो भी इनको 6% का वोटिंग वोटिंग जो भी इनको नेशनल चाहिए उसके लिए काम कर रहे हैं। ठीक है सुनीता जी, आप नाराज हो गए, कोई लेना देना नहीं। ठीक है, चलिए। ये निरंतर जो है उत्तराखंड के विरोध में हमेशा बोलते हैं, उत्तराखंडियों के विरोध में हमेशा बोलते हैं। चलिए ठीक है सुनीता जी, कोई अमनदीप साहब पर आऊंगा। अमनदीप साहब, यशपाल आर्य एक बार फिर आपकी पार्टी में आए, जोर शोर तालियों के साथ स्वागत कर रहे हैं, आप माला पहना रहे हैं, वो आपकी पार्टी से गए भी थे, आपको पीठ दिखाकर गए थे, बीजेपी सत्ता में आई, मंत्री बन गए। अब हरीश रावत साहब ने, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड के जो हैं, उन्होंने एक बयान दे दिया, उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूँ कि एक दलित चेहरा मुख्यमंत्री बने। तो ऐसे में यशपाल आर्य जी को लगा कि संभावना है यहाँ पर मुख्यमंत्री बनने की, तो अब वो वापस आ गए। 2012 में भी बड़ी संभावना थी उनकी मुख्यमंत्री बनने की, तब तो खैर बन ना सके, अब उनको लग रहा है कि यहां तो मुख्यमंत्री बन सकते हैं, तो काहे मंत्री बन के रहे वहां पर। तो जो ऐसे नेता हैं जो अपना भला पहले देख रहे हैं, अपनी विकास की सीढ़ियां पहले चढ़ रहे हैं, खुद का विकास पहले कर रहे हैं, तो ऐसे विकासशील नेताओं के साथ आप कैसे चुनाव मैदान में हैं? देखिए ऐसा है कि आर्या जी वापस आए, उनकी घर वापसी हुई, कांग्रेस कमेटी ने उनका स्वागत किया, और किसी की घर वापसी होती है तो घर वालों को सबसे ज्यादा खुशी होती है। ठीक है, बाकी रही बात विकास की, और बाकी अगर कल को बीजेपी में, अगर कल को बीजेपी एक बार फिर सत्ता में आ जाती है और वो एक बार फिर बीजेपी में चले जाते हैं, तो फिर बीजेपी वाले कहेंगे कि हाँ घर वापसी हुई, उनका घर कौन सा है? देखिए इस पे तो ये देखिए ऐसा है कि ये तो उत्तराखंड की जनता पूछ रही है, होते हैं लोग पूछ रहा है उत्तराखंड की उनका घर कौन सा है, वो खुले रहते हैं और जाने के लिए भी खुले रहते हैं। तो आपने बात कही कि यशपाल आ रहे थे वापस आए, तो मैं उसी के विषय में बता रहा हूँ कि घर वापसी ये आपके और बीजेपी के, एक सेकंड रुकिएगा, आपने कहा कि हमारे दरवाजे खुले रहते हैं आने के लिए भी जाने के लिए भी, तो ये आप लोगों का चल क्या रहा है? ये बीजेपी और कांग्रेस के जो दफ्तर है खुले रहते हैं, कभी आधे नेता उधर, कभी आधे नेता इधर, कभी आधे नेता उधर, कभी आधे नेता इधर, तो आप लोग फिर हैं तो एक ही। देखिए ऐसा नहीं है कि दोनों,
आप है, बिल्कुल मैंने कहा लोकतंत्र है और इसके दरवाजे खुले हैं, जो आप आदमी की अपनी मर्जी है जो जा रहा है और जो आ रहा है, ठीक है। दूसरी और बात है, देखिए एक तो कभी ऐसा है ही नहीं कि एक दोनों पार्टियों की अलग अलग विचारधारा है, दोनों का विकास अलग है, सब चीज अलग। वही तो मैं कह रहा हूँ कि जब विचारधारा अलग है तो एक नेता जो इस विचार के साथ इस पार्टी में था, एक विचारधारा के साथ इस पार्टी में था, वो कल बीजेपी में कैसे चला जाता है? उनके अंदर कांग्रेस की विचारधारा भी तो थी, जो वह उन्होंने वापसी करी और वो वापस आए। तो पांच साल कौन सी विचारधारा के साथ मंत्री का सुख भोग रहे थे? मतलब जब तक मतलब नेता भाजपा में रहे तो बिल्कुल ठीक है, और अगर वो घर वापसी कर जाए तो वो स्वागत। नहीं, घर वापसी करी, बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपको, घर वापसी करी, बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपको, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब वो बीजेपी की गोद में बैठकर मंत्री पद का लाभ ले रहे थे तब कौन सी विचारधारा के साथ काम कर रहे थे? देखिए वो तो देखिए आप वो तो वो जाने नहीं नहीं जलेबी नहीं जलेबी नहीं जलेबी नहीं इमरती नहीं इमरती नहीं सीधे बताइए सटीक बताइए आप बिल्कुल यशपाल आले के आर्य जी के लिए आप बिल्कुल देखिए खुलकर बात करेंगे अमनदीप साहब आप बहुत खुलकर बात करने के लिए जाने जाते हैं आप एक बात बताइए जब यशपाल आर्य जी बीजेपी में मंत्री हुआ करते थे तब वो कौन सी विचारधारा के साथ वहां पर काम कर रहे थे? देखिए मैंने आपको क्या कहा कि ठीक है अगर वो बीजेपी में गए भी उन्होंने मंत्री पद लिया भी उन्होंने कार्य किया भी लेकिन उन्होंने कांग्रेस परिवार में आते सारे एक बात कही स्टेज पे चढ़ के कि कहीं ना कहीं मेरे अंदर कांग्रेस की विचारधारा कायम थी जो आज मैं घर वापसी कर रहा हूँ तो इससे ज्यादा अब एक बात बताइए ना कहीं ना कहीं उनके अंदर कांग्रेस की मतलब आपके एजेंट थे वो बीजेपी में थे तो जी आपके एजेंट थे जब बीजेपी में वो थे तो नहीं देखिए ऐसा एजेंट या बड़े देखिए बड़े नेता है ऐसा नहीं है कि एजेंट थे या कुछ ऐसा उनकी विचारधारा कहीं कांग्रेस की उनके मन में देखिए बड़े नेता छोटे नेता सबका सम्मान है लेकिन मैं एक चीज जानना चाहता हूँ आप मेरा थोड़ा ब्रॉड एस्पेक्ट समझिएगा कहने का बात करने का अमनदीप जी जनता की भी बात होनी चाहिए नेता अगर अपना खुद का विकास करते रहेंगे तो फिर कैसे चलेगा क्या उत्तराखंड की जनता ये नहीं देख रही कि एक नेता कल तक दूसरी पार्टी में रहता है आज तीसरी पार्टी में रहता है कल को वापस उस पार्टी में आता है क्यों क्योंकि उसको एक पद बड़ा मिल रहा है क्योंकि उसका प्रमोशन हो रहा है अगर वो स्विच कर रहा है पार्टी टू पार्टी तो उसका प्रमोशन हो रहा है अगर खुद का प्रमोशन करने के लिए कोई नेता इतना नलायक दिखेगा तो फिर जनता क्या सोचेगी जनता सब समझती है जनता को मूर्ख समझना आप बंद कर दीजिए अगर आपको ये लगता है कि बड़े नेता है उनका पूर्ण सम्मान होना चाहिए पूर्ण सम्मान है मेरी तरफ से पूर्ण सम्मान है लेकिन दरअसल जनता भी ये पूछ रही है कि भाई नेताजी अपना तो खूब प्रमोशन चल रहा है प्रमोट हो रहे हैं आप पहले विधायक फिर मंत्री फिर बड़े मंत्री फिर अब मुख्यमंत्री बनने का सपना ठीक है अच्छी बात है बाकी उत्तराखंड है तो बाकी सब भोलेनाथ है। आज कार्यक्रम को यहीं खत्म करेंगे सत्यनारायण की कथा यहीं समाप्त आप सभी का बहुत बहुत स्वागत सत्कार और धन्यवाद। तो उत्तराखंड में जो रैलियों का दौर है वो पूरी सुंदरता के साथ पूरी तेजी के साथ चरम पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए अब राहुल गांधी भी आएंगे अरविंद केजरीवाल भी आएंगे और सत्ता भी आएगी और कोई मुख्यमंत्री भी आएगा और जनता अभी तक 21 साल में उत्तराखंड में जनता लाचार है और बाकी सियासत तो बम बम भोले है ही है। आप सभी का शुक्रिया धन्यवाद।